भी सरट में एकदम जौन प्राण लग रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा वो दंड वंड पेलना शुरू किए हैं थोड़ा। अब पेट तो अंदर ना ही गया। हाँ, वो भी हो जाएगा। कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं। नाश्ता कर लीजिए ना। नाश्ता कर लिया पगली? तो फिर से कर लीजिए ना। अब एक बार कर लिया तो फिर से कैसे कर ले? अब लौट के लंच करेंगे। ठीक है ठीक है, थोड़ा दूध पी लीजिए। दूध लाएगा? दूध भी पी लिया पगली। अब मठा पी लीजिए। मठा लाएगा? अब जब दूध पी लिया तो उसके ऊपर मठा पीने की क्या जरूरत है? ठीक बा, तो दही खा लीजिए। दही लाएगा? अब तुम हमारे दिमाग का दही कर रही हो। सीधे सीधे काहे नहीं कहती कि कोनो फरमाइश पेश करना चाह रही हो? सही पकड़े हैं, हमको आपसे कुछ चाहिए। अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है पगली, सीधे सीधे काहे नहीं कहती, इतना रायता काहे फैला दिया? आप मुझे कहती है भैंसिया का दूध निकालने से पहले उसको सहलाना चाहिए। तो हम भैंसिया है क्या? हम भैंसिया है? नहीं नहीं, अब तो बैल है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। पौन घंटे से रिक्शे का वेट कर रही हूँ, एक रिक्शा नजर नहीं आ रहा, और जो भी आता है उसमें लोग भरे होते। मैं कब तक रिक्शे का वेट करूंगी? आज चांद काला चश्मा पहनकर दिन में ही निकल आया। गुड मॉर्निंग भाभी जी। अरे तिवारी जी, आप गुड मॉर्निंग। आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी जी? इंतजार। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम आ गए। अरे तिवारी जी, मैं एक घंटे से रिक्शे का वेट कर रही हूँ, कोई रिक्शा ही नजर नहीं आ रहा। अरे तो हम किस मर्ज की दवा है, हम छोड़ के आएंगे आपको? आप कैसे छोड़ के आएंगे हमें अपने कंधे पर बिठा कर? अगर आप इजाजत दें और जमाना हमारे सच्चे प्रेम पर तोहमत ना लगाए तो हम आपकी ये सेवा करने के लिए भी तत्पर हैं। क्या हुआ तिवारी जी, कहाँ खो गए? नहीं भाभी जी, हम सोच रहे हैं कि हम आपको कैसे छोड़ के आए। देखिए तिवारी जी, अगर आप मुझे रिक्शे से छोड़कर आने की बात सोच रहे हैं तो अगर कोई रिक्शा आएगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, अगर आपके पास कार होती तो अलग बात होती। इधर आ। हाँ भाया, जाकर। उफ, तुम कहाँ चले गए थे इस टाइम पर? हमेशा इस टाइम गायब हो जाते हो। तुम्हें पता है मुझे ग्रूमिंग क्लासेस जाना पड़ता है, एक घंटा वेट कराया तुमने आज। अच्छा तिवारी जी, चलिए फिर, बाय बाय भाभी जी, आराम से लेके जाना भाभी जी को। बाय भाभी जी। अबे तिवारी, भाभी जी क्या कह गई तुझे, कुछ समझ में आया? भाभी जी इशारों इशारों में कह गई कि तिवारी जी कार ले लीजिए, और फिर हर रोज अपनी बगल में बैठाकर हमें ग्रूमिंग क्लासेस तक छोड़ के आइए। मतलब अगर हम हर रोज भाभी जी को अपनी कार में लिफ्ट देंगे तो धीरे धीरे भाभी जी भी हमें लिफ्ट देना शुरू कर देंगी। हम कार लेंगे और जरूर लेंगे। या लौंडो, कहाँ होगा तिवारी भैया? यार तुम्हारी नजर में कोई सेकंड हैंड कार मिलेगी क्या? भैया नजर में तो बहुत सारी कारें हैं, मगर कभी उठाने का मौका नहीं मिल रहा। अबे भूतनी के, कभी तो ढंग से जवाब दे दिया करो। भैया जी, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, यो टीका है ना, पैदाइशी बदतमीज है। अब तूने तो तमीज में PhD कर रखी है। अरे दादा, अरे ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। अरे दादा, अरे चाय बना बढ़िया। और भैया तिवारी, अरे का यार तुम इन लफंगों में उलझ रहे हो दादा? आई अप्पू सिंह जी, आप ही हैं हमारी काम की चीज। अरे महाराज, हमसे कौन सा काम करवाओगे?
हप्पू जी, ऐसा है कि हमें एक सेकंड हैंड कार की जरूरत थी, आपकी नजर में है क्या कोई? क्या बात कर रहे हो महाराज, तुमने यार कसम से बड़े मौका पे बात कर दी। अब भाई उनको फोन आओ तो वो, अरे वो खुर्जा वालो कैलाश है ना, हमसे कह रहा हूँ तो दरोगा जी एक सेकंड हैंड कार है हमें बेचने। हाँ तो फिर दिलवा दीजिए। अरे तो ऐसे का दिलवा दें यार, का फ्री फंड में दिलवा देगा, पैसे लगेंगे बाकी। अच्छा कितने पैसे लग जाएंगे? एक लाख रुपये मांग रहा हूँ वो। एक लाख? क्या बात कर रहे हैं दरोगा जी, एक लाख ज्यादा है। और क्या, ऐसा करो ऐसी नुक्कड़ से तीन दुकान छोड़ के खिलौने की दुकान है, वहां से 10 रुपये की कार ले लूं, वहां में हमारे स्कूटर की तरह तेल भी नहीं डलाने पड़ेगा, वो भाई को लेके घर जाओ आराम से खुश होते रहो, हमने कार ले ली, हमने कार ले ली। कितने जल्दी आओ ससुर। दरोगा जी आप तो मजाक कर रहे हैं, 50,000 रुपये में इतना सेकंड हैंड कार आ जाती है? अरे यार भैया तिवारी यार, तुम अपने आदमी तो समझ नहीं रहे, 50,000 रुपये में कार तो आ जाएगी, लेकिन ससुरी ऐसी मतलब खटारा कार आएगी, हर दूसरे दिन 10,000 रुपये 5,000 रुपये लगाते रहो, तो मैं बढ़िया कार दिलवाएंगे ऐसी कि मतलब टनाटन एकदम नई जैसी कार को मजो आ जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, सौदा तय कर लेते हैं और खरीद लेते हैं। नहीं, नहीं बिल्कुल, लेकिन एक काम करो। का हमारी 10,000 रुपये की निछावर अलग से रख लो। आप हमेशा निछावर काहे बीच में घुसेड़ देते हैं? अरे यार तो काहे ना घुसेड़े यार, घर में 9-8 बच्चा है, प्रेग्नेंट बीवी है, स्कूटर में ससुर एक बूंद तेल नहीं है, इतने तो बनाते हैं, और तुम्हें लेने हो तो लियो, नहीं तो हम दूसरे को दिलवा देंगे। नहीं 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 चलते हैं चलते हैं, चलिए देख लेते हैं, न्योछावर भी दे ही देंगे। हाँ फिर एक काम कर दे। अरे दादा अभी चल क्या बात है, आज तुमने हमें अपने हाथों से खाना नहीं दिया पगली। काहे के हमारा मूड ठीक नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, सुबह वाली बात को लेकर कोनो रूठी हुई हो है ना, इसलिए हमने खाना भी नहीं खाया है। काहे नहीं खाया, खाए लो ना पगली। आना ही खाएंगे हम लड्डू के भैया, आप बहुत बुरे इंसान है, आपने हमारा हार्ट ब्रेक कर दिया। वो हार्ट ब्रेक नहीं, हार्ट ब्रेक होता पगली। सही पकड़े हैं आप, हमको आपसे बात ना ही करनी है। अच्छा सुनो, अगर हम तुमको एक कोनो खुशखबरी देंगे तो तुम हमसे भरपूर प्यार करोगी ना? ना ही करेंगे। अरे पहले खुशखबरी तो सुन लो, तुमने हमसे जो सुबह फरमाइश की थी ना कि हम कार खरीदे, तो हमने कार खरीद ली है। सच कह रहे का? सच कह रहे पगली? नहीं, हमको पता है आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आंखें बंद कर लो अंगूरी और हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, आओ हम तुमको जन्नत की सैर कराते हैं। असली वाली कार में बैठाएंगे पगली, और फिर हम और भाभी जी हम और अंगूरी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। खाई हमारी कसम। तुमरी कसम पगली? हाँ दिया, हमारी गाड़ी आएगी तो हम गाड़ी चलाएंगे भी। तुम गाड़ी चलाओगी और सुबह के अखबार में खबर आएगी। क्या बोले? कुछ नहीं, हम गाड़ी चलाएंगे और तुम हमारे साथ मेम साहब बन के बैठोगी, काला चश्मा लगा के। ठीक बा ठीक बा। एक बार कार आने तो दीजिए लड्डू के भैया, फिर हम कार जरूर चलाएंगे। एक्सीलेटर शुरू हो गया है। खुश हो ना मुगली, खुश हो अब तो हा? ओ भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।